तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी बोस्निया में, बोस्निया की कैपिटल सारायेवो में। सारायेवो लिखते हैं पर सारायेवो कहते हैं। मैं भी सोच रहा है सारायेवो तो अजीब सा लग रहा है यार, सारायेवो कहते हैं ये, ठीक है। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना की कैपिटल में। तो 1991 से पहले ये होता था एक बहुत बड़ा देश जिसका नाम था यूगोस्लाविया, जिसके अंदर आते थे आज के 7 देश, जिसका नाम है, एक आता स्लोवेनिया जो अब शेंगन में है, एक आता था क्रोएशिया जो कि ईयू में है, लगभग शेंगन बन जाएगा वो मेरे को लग रहा है थोड़े दिनों बाद, फिर आता है बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, फिर आता है भाई आपका सर्बिया, फिर आता है भाई आपका कोसोवो जो कि फुली रिकग्नाइज्ड देश नहीं है पर फिर भी उसको मान सकते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, जो दो देश रह गए भाई उनका नाम है मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, जो नॉर्थ मैसिडोनिया हो गया है, और मोंटेनेग्रो। तो 1991 से 2003 तक जंग चली, यूगोस्लाविया वार कहते हैं जिसको, और यूगोस्लाविया टूट के बन गया इन 7 देशों में। जैसे कि यूएसएसआर जो मतलब सोवियत यूनियन जिसको कहते हैं, वो टूट के, वो भी 1990-92 के आसपास टूटा था और वो बन गया था शायद 10-12 देशों में, ये तो 7 देश, मतलब खैर ये तो छोटा है काफ़ी उससे। तो अब हम जानेंगे, हम जो यूगोस्लावी कैपिटल थी वो थी बेलग्रेड, पर सारा ही वो भी एक मेन सिटी थी उस टाइम पे। तो आज हमें यहाँ पे, और एक मैंने टूर बुक किया है जिसमें आपको बताएंगे फॉल ऑफ यूगोस्लाविया के बारे में, कि यूगोस्लाविया कैसे टूटा। तो भाई अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ से जाना था, आया तो मैं यहीं से था, अभी देखता हूँ कहाँ से जाना है। और ये टूर है कुछ 25 यूरो का, और एक टनल में एंट्रेंस वो है 5 यूरो की, तो 30 यूरो का कुछ टूर पड़ा। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि आप विकिपीडिया वगैरह पे तो पढ़ लोगे पर कोई बंदा जब असली में आके बताएगा ना आपको, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। ये जो आप देख रहे हो ऊपर, जिसमें ब्लू कलर, येलो कलर और स्टार 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 लगे हुए हैं, ये है बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना का झंडा। पर आपको पूरे शहर में काफ़ी सारे झंडे दिखे मिल जाएँ क्रोएशिया या फिर सर्बिया के भी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मानते नहीं हैं यार इस देश को अच्छे से ना, जो क्रोएशियन है क्रोएशियन समझते अपने आप को, और जो सर्बियन है सर्ब्स हैं, मतलब क्रोट्स हैं वो क्रोएशियन समझते अपने आप को, और जो सर्ब्स हैं वो अपने आप को सर्बियन समझते हैं, तो वो उन्हीं देशों को सपोर्ट करते हैं। तो भाई मेरे साथ है एरी। हे नमस्ते, आप कैसे हैं? तो भाई एरी भाई अभी 2.5 महीने, 2.5 months in India, right? No, 2.5 weeks. 2.5 weeks in India, और भाई 3 हिंदी सीख गए। 2 हफ्ते। तो हम टूर साथ में ले रहे हैं, और टूर से पहले हम चलते हैं कुछ खाना खाने। सो यू नो वेयर टू ईट? फलाफल के पास पिज्जा। ओके, मैं नहीं जानता बाज नहीं है खाना। ये दिस वाज वेरी गुड गुड भाई। अभी तो हम आ गए थे फलाफल खाने, और यहाँ पे प्राइसेस मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने ऑर्डर करा है फलाफल रैप, ये 6 का, मतलब 3 यूरो का, तो काफ़ी सस्ता है यार यहाँ पे सब कुछ ना यूरोप के मुकाबले, मतलब थोड़े एक दो दिन जो मैं वो इंजॉय कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे स्मूदी वगैरह 2.5 यूरो की, हाँ लोगे तो 5-5 यूरो की मिलेगी आपको आराम से। तो भाई काफ़ी बड़ा है देखना, 3 यूरो के हिसाब से तो बहुत सही है भाई। भाई ये दुकानें कितनी सही लग रही हैं, इनकी छत देखो, और सोचो बर्फ़ गिर रखी होती तो और भी मस्त लगती, और प्यारी प्यारी सी दुकान है। चलो चलते हैं। पीछे एक हॉस्पिटल है, पहले इससे पहले हम शुरू करें, इससे पहले मैं आपको यूगोस्लाविया के बारे में कुछ बता देता हूँ। यूगोस्लाविया एक
बहुत बड़ा देश था, जैसा USSR था, कई सारे देशों का गठन था, ठीक है। उस टाइम तो एक ही देश था, ऐसा तो नहीं था कि तब सारे मतलब देशों ने मिलकर एक बनाया था, तब एक ही देश था, ठीक है। तो ये था 7 देशों का जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया। तो ये वॉर शुरू हुई थी इंडिपेंडेंस की, कि भाई हमको इंडिपेंडेंट होना है अब, ठीक है। वो शुरू हुई थी स्लोवेनिया से, स्लोवेनिया ने 1991 में कहा हमको इंडिपेंडेंट होना है भाई। 10 दिन वहाँ जंग चली और वो लोग इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए। नेटो ने आके कह दिया, UN ने आके कह दिया भाई इनको अकेला छोड़ो, स्लोवेनिया को इंडिपेंडेंट कर दो। स्लोवेनिया इंडिपेंडेंट हो गया। अगला जो स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ वो था क्रोएशिया। फिर अगला जो स्टेट इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था वो था बॉस्निया। तो बॉस्निया ने रेफरेंडम वगैरह भी कराया, रेफरेंडम में बहुत सारे लोगों ने वोटिंग करी और 99% लोगों ने कहा हमको आज़ाद होना है। पर यहाँ पे मतलब वही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आर्मी आ गई। और ये था एक मैटरनिटी हॉस्पिटल। मैटरनिटी हॉस्पिटल किसी को नहीं पता तो वो होता है भाई जहाँ पे बच्चे डिलीवर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे पहाड़ियाँ थी जहाँ पे अभी दिखाऊंगा मैं, वहाँ से यूगोस्लाविया की आर्मी बमबारी कर रही थी और यहाँ पे बॉस्निया की मतलब फोर्सेस थी जो मतलब पुलिस वाले वगैरह थे, क्योंकि था तो यूगोस्लाविया ही। अब आर्मी तो बॉस्निया की अपनी अलग से हो नहीं सकती थी उस टाइम, क्योंकि था तो ये यूगोस्लाविया ही। तो जो सिविलियंस थे डे टाइम में, 1000 सिविलियंस यहाँ पे होते थे इस हॉस्पिटल की प्रोटेक्शन करने के लिए जब यहाँ पे बमबारी हो रही थी। तो अब देखो यहाँ पे कितनी गोलियाँ वोलियाँ अभी भी आप देख सकते हो, बम वगैरह जो भी हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी जगह देखेंगे। और अभी तक हुए हैं 2 देश इंडिपेंडेंस, अब देखते हैं आगे आगे किस किस साल में कैसे कैसे और देश होते हैं। तो भाई बहुत सारी हिस्ट्री बताई इन्होंने गाड़ी में, हम काफ़ी दूर आ गए हैं। तो जो मैसिडोनिया था एक कंट्री जो नॉर्थ मैसिडोनिया आज कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट वो भी 1991 में हो गई थी। तो और जो मॉन्टेनेग्रो है वो इंडिपेंडेंट हुई 2007 में। और जो कोसोवो है वो भी लगभग मॉन्टेनेग्रो के साथ अपनी इंडिपेंडेंस कहती है कि हम हो गए इंडिपेंडेंट, पर दुनिया रिकग्नाइज नहीं कर रही क्योंकि दुनिया सर्बिया से पंगे नहीं लेना चाहती, दुनिया सर्बिया की उसमें बुरा नहीं बनना चाहती है, तो उसको भी कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा। तो जो आखिरी में यूगोस्लावी बचा था वो एक्चुअली सर्बिया बचा था। और मतलब जो मेन डिसीजंस होते थे यूगोस्लावी की वो भी बेलग्रेड में लिए जाते थे, क्योंकि यूगोस्लावी की कैपिटल ही बेलग्रेड थी, जैसे रशिया की USSR हो जाती है और सॉरी USSR की मॉस्को होती होगी कैपिटल, तो वैसा ही था वहाँ पे भी। तो अभी हम आ गए हैं एक टनल में। तो मैंने पूछा यार ये सब तो चलो क्रोएशिया और स्लोवेनिया में तो UN ने हाथ बटा दिया तो वो हो गए जल्दी से इंडिपेंडेंट, मैसिडोनिया में क्यों नहीं इंटरेस्टेड थे? कहते हैं कि मैसिडोनिया वैसे ही छोटा सा था तो उस पर मतलब वो इंटरेस्टेड थे नहीं, वो सोच रहे थे कि हम औरों को अगर हमने जीत दिया ना तो मैसिडोनिया के 2 थप्पड़ मार के हम ले लेंगे, पर वो हो ही नहीं पाया कभी। तो ये है बॉस्निया का फ्लैग अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो। तो ये सारा ही वो में आपको मिल जाएंगे, एयरपोर्ट पास में ही है ये लाल लाल रंग के निशान, इसका मतलब है यहाँ पे कोई बम गिरने से मरा है। और असली में सिटी में मिल जाते हैं ये। तो भाई मैंने बताया ना कि हम आए हैं एक टनल देखने, और वो टनल क्या है आप इस थोड़े मैप से समझोगे। जो दो लड़ाई थी ना वो बॉस्निया और सर्बिया के बीच में थी, जो दोनों यूगोस्लाविया के पार्ट थे, पर यूगोस्लाविया जो मेन था ना वो सर्बिया ही था। तो इन्होंने क्या करा भाई, पूरा सारा जो जहाँ पे मैं अभी हूँ सिटी में, इसको पूरा घेर लिया चारों तरफ से सर्बियन फोर्सेज ने, जो लाल लाल हो रखा है ये बॉस्निया की टेरिटरी थी। और इन दोनों के बीच में एक चिकन नेक जैसे इंडिया में है ना एक एयरपोर्ट था बस। तो सर्बिया वालों ने क्या करा, सर्बिया वालों ने कह दिया कि UN को दे देते हैं एयरपोर्ट की पट्टी। अब दोनों तरफ क्या हो गया, ये सर्बिया और बीच में आ गया UN की पट्टी। तो भाई अब इनको खाने वाने की दिक्कत हो रही थी, इतनी बड़ी सिटी को खाना वाना चाहिए जो बाहर से आता था। तो इन्होंने क्या करा, चुपके से इसके नीचे से टनल बना दी, 800 मीटर लंबी टनल जो हम देखने आए हैं। वरना लोग क्या करते थे पहले, यहाँ से भागते हुए जाते थे, चलो ये तो बॉस्निया का ही है, अब एयरपोर्ट पे पहुँचते थे तो यहाँ से गोली मार देते थे, तो 450 मीटर लोगों को भागना पड़ता था। तो फिर उन्होंने क्या करा, सीक्रेट टनल बना दी, और जो कि आज मतलब वॉर के एंड तक सर्बिया वालों को मिल नहीं पाई, उनको पता था इसके नीचे टनल है पर कभी मिल नहीं पाई। तो ये भाई नकली वाली है, मतलब जो उस जैसी बनाई है, असली वाली में वी विल गो इन द रियल वन आल्सो। यस द रियल वन ऑफ कोर्स, बट आई लीव दैट लाइक फॉर द लास्ट। ओके एज द आइसिंग ऑन द केक।
तो ये रेप्लिका बनाई है भाई, अरे बड़ी लंबी बना रखी है रेप्लिका भी। तो ये रेप्लिका बना दिया, मतलब डुप्लीकेट, ये भी 100 मीटर लंबी बना दी इन्होंने पता नहीं क्यों। अच्छा इसके आखिरी में कहीं निकलेंगे शायद हम जाके, बत्तख की तरह चलना पड़ रहा है भाई। ये तो मतलब वो है 5-star टाइप बना दी ये, मतलब मैं समझाता हूँ, ये वाली पाइप असली वाली टनल में भी थी, ये तार भी थी, इससे जाती थी बिजली, इससे जाता था डीजल और पेट्रोल। और भाई क्या होता था कि जो सब कुछ बाहर वाली टेरिटरी से सिटी में इंपोर्ट होता था, बस एक ही चीज़ बाहर जाती थी, वो थी सिगरेट, क्योंकि सिगरेट बनाने वाली कंपनी वो थी सिटी के अंदर। और एक तरह से मतलब पेमेंट भी लोगों को सिगरेट्स में करते थे ये लोग, कि भाई चलो सिगरेट ले लो और हमको खाने पीने का दे दो। तो चलते हैं, 100 मीटर ख़त्म होने वाले हैं। तो ये देखो मेरे पास 2 10-10 के नोट हैं, आपको क्यों दिखा रहा है, दोनों पे फोटो अलग अलग है भाई। और एक है सर्बियन 10 का नोट, मतलब बॉस्नियन सर्बियन, और एक है बॉस्निया का, मतलब है एक ही कंट्री के पर दो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, मतलब एथनीसिटी के, तो उन दोनों को खुश करने के लिए। और ये है भाई यूगोस्लाविया का मैप, जिसमें 6 रिपब्लिक आपको दिखा देता हूँ अभी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, और ये है कोसोवो। तो ये टूटा था पूरा। अब चलते हैं भाई असली वाली टनल में। सो दे हैव कैट्स इन द टनल नाउ बट एंड दे पी सो इट्स लाइक थिंग्स बिकॉज़ ऑफ द कैट्स। सो भाई अरे हमारा बंदा किधर है, वो आया भी। अबे हां, दिस इज इनसेन। तो नाम क्या था? मैं दिखाऊं तो वो पिज्जा मंगाया भाई ने और ये मंगा लिया हमने, मेरा हाथ देखो कितना बड़ा है पिज्जा। ये दिखाया जाएगा, मेरे को लग रहा है 2-2 पीस खाए जाएंगे और फिर सुबह माइक्रोवेव में गरम करके खाऊंगा मैं। ये रेगुलर बोला था या मीडियम बोला था? दिस इज द लार्ज फॉर नॉर्मल कंपनी। आई थिंक वी गॉट स्कैम्ड, ही विल से 100 मार्क्स मेबी। तो भाई यहाँ पे एगो पिज्जा पे आए थे हम, ने बताया था कि अच्छा है और पिज्जा काफी सही था, तो यहाँ पे ये रेट है और हमने बड़ा मंगा लिया और बड़े का प्राइस था 16। अगर हम ये मंगाते मोजरेला तो 18 आता, 16 यार फिर भी काफ़ी कम है। 16 को कर लो मतलब 8 यूरो हो गए, 8 यूरो में इतना बड़ा मतलब 3 जने खा सकते थे। अभी भी 2 स्लाइस बच गई, वो हमने कहा पैक कर दे भाई। बंदा बड़ा सही है यार, कह रहा पैक करके ही दूंगा मैं, छोड़ूंगा ही नहीं। मतलब हमने कहा छोड़ो छोड़ो, कहता नहीं मैं पैक करके दूंगा। चलो चलो। हाँ ये आए थे मिठाई की दुकान पे, तो पता नहीं कौन सी है भाई इनके, पर मजेदार रहे ना, ट्रायल कराया जिस चीज को। भाई रात को हम वॉक कर रहे हैं और काफी सही है मतलब, पर ये है कि यहाँ पे बहुत ठंड हो रखी है। एक मेरे को पाकिस्तान के भाई मिल गए थे अपने वॉकिंग टूर पे, क्या नाम है भाई? अब्दुल समद। ये कराची से हैं, और भाई ठंड कैसी है यहाँ पे? ठंड भाई दिखने में तो कम है लेकिन असल में तो फाड़ू ठंड है, फाड़ू। तो भाई यार कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है मेरे को तो, पता नहीं। और टेम्परेचर दिखा रहा है अभी 5-6, तो और ठंड लग रही है -2-4 वाली, तो पता नहीं क्या है। और मैं पजामा नहीं पहन के आया पैंट के नीचे, और इनर भी नहीं पहना मैंने, क्योंकि मैंने देखा था दोपहर में 12 डिग्री होगा, पर हुआ ही नहीं भाई वो 12 डिग्री। पता नहीं पूरे दिन ही 0 रहा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर मस्त मस्त दुकान है, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, और सही है माहौल, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये देश। दोबारा ज़रूर आएंगे और आराम से रुकेंगे यहाँ पे, सस्ता भी है, अफोर्डेबल, सस्ता टिकाऊ देश है ये।
ये था मेरा होटल, बड़ा ही जबरदस्त होटल था, बंदा बहुत अच्छा था जो यहाँ पे, जो इसका ओनर है। यहाँ पे भाई बार बार बैठने का था पर बहुत ही ठंड थी तो मैं बैठा नहीं, और बाहर शायद झंडे वंडे भी लगे हुए हैं तो मैं गया ही नहीं, वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला। तो अब तो मैं चेकआउट कर रहा हूँ। तो भाई कल वीडियो एंड करनी भूल गया मैं, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, 11 यूरो में मेरे को मिला था booking.com से। चाहो तो डायरेक्ट भी आके बुक कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगा booking.com से बुक करके आओ। बंदा बहुत सही है भाई जो यहाँ पे होटल का ओनर है, इंडियंस को बड़ा पसंद करता है, और सारी फैसिलिटी आपको ताला भी देगा, आपको टावल भी देगा, एक बड़ा बेड भी दिया भाई मेरे को, ठीक है। टैप वाटर तो है यूरोप में ड्रिंकेबल। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मे भी थोड़ी छोटी वीडियो बनी होगी यूगोस्लाविया की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि और मतलब मेरे को जानने का मौका मिलेगा तो जरूर मैं जानूंगा यूगोस्लाविया की हिस्ट्री। पर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।